एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में. और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा हिंदी में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी में वीडियोस बनाओ नितिभा. सो टुडे मैं अपना गेट रेडी विद मी करने वाली हूँ पूरी तरह शुद्ध हिंदी में, ताकि आप सब लोग मेरे साथ तैयार हो सकें, थोड़ी हंसी मजाक की बातें कर सकें और हाँ, हम सब खुश रहें. I think I'm overdoing this a little, but I hope you guys enjoy today's video and do not forget to subscribe. Bell icon pe click kariye notifications paane ke liye aur comment kijiye aapko aur kaisi type ki videos chahiye aur hindi mein zyada videos dekhna chahte hain. To jitne zyada likes, views aur comments aayenge utni zyada main hindi videos banaungi. To bina time waste kare, let's get into the video. हम शुरू करते हैं अब अपना मेकअप का प्रोसेस. ये है जैसी मैं दिखती हूँ बिना मेकअप के. तो अब मैं सबसे पहले अपने चेहरे पे लगाऊंगी मैक फिक्स प्लस प्रेप एंड प्राइम. ये बहुत अच्छा है चेहरे को रिफ्रेश करने के लिए और आपके मेकअप को पूरे दिन लास्ट करने के लिए, बट ये प्राइमर की तरह भी काम हो सकता है. तक ये मेरे चेहरे में थोड़ा सा अब्सॉर्ब होता है. मैं अरामा नेचुरल्स का मिरेकल सैफ्रन रोज गोल्ड ऑयल ले रही हूँ और इसको अपने चेहरे पे हल्के से लगा रही हूँ. अब मेरे चेहरे पे मॉइस्चराइजिंग और प्राइमिंग हो चुकी है, फिर भी मैं थोड़ा सा और अपने पोर्स को मिनिमाइज करना चाहूंगी. तो अभी मैं बेनिफिट का प्रोफेशनल प्राइमर ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा लेके खत्म होने वाला है, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है. अभी ये मैंने लिया और मैं अपने टी जोन पे, जहाँ पे मेरा ज्यादा ऑयलीनेस होता है और जहाँ ज्यादा पोर्स होते हैं, वहां पे इसको अच्छे से लगा रही हूँ. अब हम जाएंगे अपने अगले स्टेप के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो है बेस. मैं अभी यूज कर रही हूँ एस्टे लॉडर का डबल वेयर लाइट स्टेन फाउंडेशन प्योर बेज शेड में. अभी मैं भूत लग रही हूँ, लेकिन अभी मैं जो भी ये फाउंडेशन मेरे हाथ पे बचा है उसको ले लूंगी अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे और अब मैं अपने पूरे फेस को धीरे धीरे ब्लेंड करूंगी. तो मेरा बेस हो गया है पूरा. अब मैं करने वाली हूँ कंसीलिंग. कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का इरेजर डार्क सर्कल. ये है सबसे लाइटेस्ट शेड में और मैं इसको अपने अंडर आइज और कोई भी डार्कनेस है जो भी स्किन में वहाँ यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है अपने फेस में, वहाँ पर मैं ये कंसीलर. और अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को लूंगी और इसे पूरे स्किन में अब्सॉर्ब कर दूंगी. बहुत मजा आ रहा है मुझे हिंदी में बात करके आप सबसे, मजेदार है ये. और अब मैं इस पूरे को सेट करना चाहूंगी अपने लॉरियल मैट मैजिक पाउडर से. ये कॉम्पैक्ट है तो मैं इससे पूरे फेस को सेट करूंगी, ताकि ये जो मेकअप है कहीं हिले ना इस फ्लफी ब्रश पे. और मैं सीधा इसे अपने जहाँ पे भी मैंने फाउंडेशन लगाया है, विच इज पूरा फेस, पूरे फेस को सेट कर रही हूँ मैं. तो इसी के साथ पूरा होता है मेरा बेस. तो अब हम करने जाएंगे अपनी आईज. आईज के लिए मैं आज यूज करने वाली हूँ मैक का फैशन फनेटिक पैलेट और नेकेड 3 पैलेट. मेरी हिंदी काफी अच्छी है, तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती, यू. आईलाइनर से पहले मैं अपनी आईब्रोज करने वाली हूँ, क्योंकि बिना आईब्रोज करे मुझे मैं अच्छी ही नहीं लगती देखने में. तो मैं ज़रा पहले अपने आप को अच्छा फील करा लूँ, फिर मैं आईलाइनर लगाऊँ. हो चुकी है अब मैं ज़रा फटाफट लगाने वाली हूँ आईलाइनर, जिससे कि हमारी आँखें मृगनयनी हो जाती हैं. मैं कुछ भी बकवास कर रही हूँ गाइस. कोकती मुहावरे ही बोल दो, बस उसी की कमी रह गई है.
ये बहुत ही मजेदार वीडियो बनने वाली है. मजेदार अब हम लगाने वाले हैं मस्केरा. ये पलके होती है ना. क्या मेरी हिंदी तो बढ़िया. एवन मृगनयनी. मृगनयनी लाइक हु वुड नो मृगनयनी गाइस. सीरियसली कम ऑन. अभी हाथ उधर हुआ तो ये वस्तु आपकी आंखों को फोड़ भी सकती है और आपके मेकअप को बर्बाद भी कर सकती है. और जिसे ऐसा लगता है ना कि पलक झपक के मेकअप हो जाता है वो बहुत बड़े गलत फहमी में है. मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है. पलक झपक के कुछ नहीं होता है. जैसे कि जिंदगी में घर पे बैठे बैठे अगर आप सोचें कि आपको चांद सितारे मिल जाए, आप आसमान छू लें, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में है. अब अपने होंठों को कोमल करने के लिए मैं उन पर थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ. इसे रोज गोल्ड ऑयल कहते हैं. इससे मेरे होठों को नमी पहुंचती है. लगा रही हूँ वाइल्ड वाइल्ड कंट्री माय ग्लैम का आशना श्रॉफ के साथ जो कलेक्शन था उसमें से. बहुत ही प्यारा कलर है. पिंकिश ब्राउनिश न्यूड है. अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करूंगी. कॉन्ट्रोलिंग से क्या होता है, बेसिकली जो आपका फेस मोटा चौड़ा लगता है वो थोड़ा पतला और यू नो लाइक शार्प लगता है. तो अब मैं अपने नोज को कंट्रोल करूंगी, अपनी पकौड़े जैसी नाक को पतला कर दिखाने के लिए. मैं हिंदी बोलते बोलते फनी मूड में कैसे आ गई हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. लोग व्यूज देंगे मुझे जो आप दे नहीं रहे आजकल. ओह गॉड, आई एम सो रैंडम. अब मैं जरा अपनी चीक्स को कंट्रोल कर रही हूँ. चीक्स अब मैं लगाने जा रही हूँ अपनी चीक्स पे सम लाली. मैं यूज कर रही हूँ मैक का फ्लावर पावर ब्लश जो कि बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, क्योंकि इससे पहले मेरा चेहरा एकदम सफेद भूत जैसा लग रहा था. टेक द बॉबी ब्राउन हाइलाइटर इन द शेड द शिमर ब्रिक इन द शेड नेक्टर. गालों को एक चमक देने वाली हूँ. और इसी के साथ मेरा मेकअप होता है समाप्त. इस सब को मेरे चेहरे पे ऐसे ही रखने के लिए मैं लगाने वाली हूँ मैक का प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस स्प्रे. अब मैं चेंज करके आपको अपना फाइनल लुक दिखाऊंगी. गाइस, मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ. जैसा कि आप देख सकते हैं को मैंने सेंटर पार्ट एकदम स्लीक करा है और एक पोनीटेल बनाई है जो शायद आपको नहीं दिख पाएगी, बट एक लो स्लीक पोनीटेल बनाई है. एंड ये मेरा कंप्लीट फाइनल लुक है. आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में मज़ा आया, आपने कुछ सीखा, मुझसे बातें करी, मेकअप देखा और इन्जॉय किया. प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियोस देखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से मैं वीडियोस डाल रही हूँ बट रिसेंटली आप लोगों को शायद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी रिक्वेस्ट हैं प्लीज़ नीचे कमेंट्स में छोड़िए, मैं ज़रूर उन वीडियोस पे वर्क करूँगी. और अगर ज़्यादा हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैं और हिंदी में वीडियोस बनाऊँगी. सो या कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी एंड हैव फन. बाय गाइस.